हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल अजय चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ लेनेवो के K8 सीरीज़ के एक न्यू अपडेट्स के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे 17 तारीख को यहाँ पे जो कि लेनेवो वाले ने अपने वेबसाइट पे एक अपडेट को मेंटेनेंस किया है, जो कि लेनेवो के जितने भी K8 सीरीज़ का स्मार्टफोन है, जैसे कि K8, K8 प्लस, K8 नोट, सभी के लिए यहाँ पर एक अपडेट को यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो हम जानेंगे कि अपडेट कौन सी होगी, क्या इसमें फीचर होंगे, क्या बग होंगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। एंड ये आपको अपडेट ये कब मिलेगी फ्रेंड, तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सिंपली से क्रोम में आना। यहाँ पे आपको सपोर्ट लेनेवो डॉट कॉम को आपको जो कि लेनेवो के एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च कर देना है लेनेवो के 8 सीरीज न्यू अपडेट। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे फ्रेंड, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 17 मई को यहाँ पे एक अपडेट को यहाँ पे रिलीज किया गया है, जो कि एंड्रॉयड अपग्रेड मैट्रिक्स है। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब मेंशन किया गया है कि आपको ये अपडेट जल्दी मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपको जो वोल्टी का इशू होगा उसे आपको फिक्स किया जाएगा। एंड ये अपडेट जो आपको मिलेगी लेनेवो के तीनों ही सीरीज़ में मिलेंगे, लेनेवो के 8 मिलेंगे, लेनेवो के 8 प्लस में मिलेगी एंड लेनेवो के 8 नोट में मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन ये नहीं कि आपको इसमें सिक्योरिटी पैच क्या होगा, बस यहाँ पर कुछ बग्स है जैसे कि यहाँ पर फिक्स किया गया है। नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर लेनेवो की तरफ से बहुत सारा स्मार्टफोन जैसे कि ए सीरीज़ है, तो ए सीरीज़ जैसे कि देख सकते हैं आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, नो अपडेट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं K8 के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे आप K8 में आएंगे, यहाँ पे K8, K8 नोट, K8 प्लस आपको मिलेंगे। तो इस सीरीज में आपको जैसे कि जानते हैं कि आपको एंड्रॉइड का 7.0 यानी कि नौकट आपको चल रहा था, उसके बाद आपको ओरियो का 8.0 वाला अपडेट आया, जो कि तीनों ही आपको K8 सीरीज का स्मार्टफोन में मिल गए थे। लगभग आपको किसी में जून में, किसी में जुलाई में, किसी में अप्रैल में मिले थे। लेकिन फ्रेंड, अगर यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, सभी में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे नो अपग्रेड यानी कि प्लान यानी कि ये सब जो स्मार्टफोन है, ये सब अब आपको अपडेट्स नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बट यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा हो कि दिस डिवाइस विल रिमेन ऑन ओरियो, यानी कि आपको इसमें जो ओरियो के बाद अपडेट आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे लोग थे मुझे कमेंट किए जा रहे थे, कमेंट ये कर रहे थे कि बताइए कि अब इसमें लेना हो K8 प्लस में जो भी स्मार्टफोन है K8 सीरीज़ के, इसमें अब अपडेट्स आएंगे नहीं आएंगे। तो मैं उन सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि जो भी लेने का K8 स्मार्टफोन यूज करते हैं, सभी में आपको जो कि महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो भी उसमें सिक्योरिटी पैच में मतलब जो भी आपको बग्स होंगे, बग्स को फिक्स किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इस बनाने का मकसद बस यही था कि आपको जल्दी लेने K8 प्लस में, लेने K8 नोट में एंड लेने K8 में आपको अगले मंथ तक आपको एक अपडेट मिलेगा, जो कि उसमें कुछ भी आपको सिक्योरिटी पैच में कुछ भी मतलब बग्स होंगे तो उसे फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंटेन कर दिया गया। जैसे इसके कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको एक वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी में यहाँ पे नहीं लिखा, सभी में नो अपग्रेड प्लान लिखा हुआ है, लेकिन ये तीनों ही सीरीज का स्मार्टफोन में जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आपको ऐसा नहीं बताया गया कि अब आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको अपडेट्स, आपको सक्रिय पैच आपको महीने महीने मिलते रहेंगे, और जो भी बग्स रहेंगे आपको यहाँ पर फिक्स होते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।